हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप क्लास 10 साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह से आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। बच्चों, आज टर्न है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रेजिस्टिविटी टॉपिक का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोगों, इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से वॉच करें और ढंग से जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें। अगर फिर भी कोई डाउट बचा रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें जिससे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विच हैज मोर रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस बताना है बच्चों किसका होगा। एक आपका दिया हुआ है लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर और एक दिया हुआ है शॉर्ट वन। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इधर अ लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। ओके बच्चों, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। एक लॉन्ग पीस है और एक शॉर्ट पीस है, दोनों दिख रहे हैं आपको। दिस इज लॉन्ग वायर और दिस इज शॉर्ट वायर। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का आपने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यस और नो बोलिए। सबको आ रहा है ना ये वाली लाइन समझ में? अब आपको पता है बच्चों कि मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस। सबको आया? मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, क्लियर? और लेस लेंथ लेस रेजिस्टेंस। तो बच्चों, आपको लॉन्ग वायर जो होगा, देयर फोर लॉन्ग पीस ऑफ वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। ये सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का? तो किसका होगा बच्चों? मोर और आर और इसका लेस आर। सबको आ गया ढंग से? चलिए इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। अ थिक पीस ऑफ नाइक्रोम वायर और अ थिन पीस। ओके चलिए देखते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है फर्स्ट का कि एक आपका बच्चा लोगों देखिए ढंग से, इधर देखना, थिन वायर है बच्चों, ये है ना थिन वायर। दिस इज कैसा वायर है बच्चों? थिन वायर। और एक बच्चा आपका है, दिस इज, आपने देखा दोनों की लेंथ आपको सेम दिख रही है, दोनों का पक्का लेंथ सेम है, बट एक कैसा वायर है, थिक वायर है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट डाल देना बच्चों, है ना। थिन वायर आपने पढ़ा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, पढ़ा है ना। तो बच्चों, इसका मतलब है मोर थिकनेस, ओके, लेस रेजिस्टेंस, लेस थिकनेस मोर रेजिस्टेंस। तो बच्चों, थिन वायर का रेजिस्टेंस है, देयर फोर थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। और बच्चों, जो आपका अगर पूछता करंट किसमें ज्यादा होगा, तो थिक वायर हैज मोर करंट। ये क्वेश्चंस जरूर पेपर में आएंगे, ये सबको समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाल दीजिए आप पेपर में, जरूर आता है, क्लियर? चलिए तो बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस? रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? आइए आंसर। रेजिस्टिविटी के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डिफाइन डेफिनेशन रटनी नहीं होती, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो बच्चों, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल,
इफ एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर और बच्चों लेंथ इज 1 मीटर, तो आपका रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, आर। सबको आ रहा मेरे बच्चों? तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी, अब सबको आता है, सारे बोलिए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड सी एस ए, सी एस ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। सबको आया बच्चों? पक्का आ रहा है ना, ढंग से आया पक्का? चलिए अब इसका हम पार्ट टू करते हैं, पार्ट बी। सुनिए क्वेश्चन को, पार्ट बी को क्या कह रहा है। एक वायर है बच्चों 1 मीटर लॉन्ग है ना, 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। कैसे करेंगे, इधर देखेंगे, आगे की ओर मूव करते हैं, इधर पार्ट बी है ना। तो बच्चों यहां पे उसने लेंथ दी हुई है 1 मीटर, ढंग से देखना बच्चों लोगों है ना, तो एल दिया हुआ है 1 मीटर, ओके। डायमीटर दिया हुआ है बच्चों डी, डायमीटर दिया हुआ है 0.2 mm। आप बिना देख के आगे बढ़ने से पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पे डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियस इक्वल्स टू 2/2 डी अपॉन टू बच्चों है ना। अब डी कितना है 0.2 और मिलीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10^-3/2, ये सबको आ गया, रेडियस आ जाएगी बच्चों 0.1 ओके इंटू 10^-3 मीटर। किस किस को आ गया बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है, ओके सबको आ गया, ये आपका आर आ गया रेडियस। अब रेडियस आ गया बच्चों आपका, अब हमें आगे क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बच्चों दे रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आर दिया हुआ है 10 ओम, क्लियर पक्को बच्चा? तो रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी मतलब हमें रो निकालना है। अब कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सबको आया कि नहीं आया बताइए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। बच्चों हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ओके। अब बच्चों हमें सब कुछ दिया हुआ है, उसने सारी वैल्यूज दी हैं, प्रॉब्लम क्या है, उसने हमें एरिया नहीं दिया हुआ, तो पहले एरिया क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं रो इक्वल्स टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल लिख सकता हूँ बच्चा लोगों, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सर्कल का एरिया। सबको आ रहा है बच्चों? तो आ रो इक्वल्स टू आर कितना दिया हुआ है 10 ओम, 10 इंटू पाई 3.14, आर कितना दिया हुआ है बच्चों इसमें 0.1 इंटू 10^-3 का होल स्क्वायर बच्चा लोगों, और लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ है बच्चों कितनी दी हुई है लेंथ चेक कर लीजिए, लेंथ है 1 मीटर, कितनी दी है 1 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करना आता होगा आपको, 10 × 3.14 31.4, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 × 10^-3 का होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा, दिस इज 0.0001 का होल स्क्वायर अपॉन 1। सारी चीज़ें सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं, सबको आ रहा है ना? तो रो इक्वल्स टू आप सॉल्व करेंगे 31.4 × 10^-8 ओम मीटर। ये सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही सही बताइए सारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों,
Write down an expression for the resistance of metallic wire in terms of resistivity. सबको पता है, ये तो अभी बता चुके हैं हम आपको. गाना याद रखना है और छोले भटूरे याद रखने हैं. छोले भटूरे आप सभी को पता है क्या बोलता है. R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले. हम जोर जोर से बोले R इक्वल्स टू रोले. क्लियर. चलिए हो गया फॉर्मूला. यहाँ पे हियर आप सभी को पता है रो इज द रेजिस्टिविटी. ओके, रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम सभी को पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, आर रेजिस्टेंस होता है बच्चों, पक्का. एल लेंथ है और ए जो है बच्चों दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्लियर आ गया. चलिए फॉर्मूला हो गया. अब सेकंड पॉइंट. अच्छा क्वेश्चन. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 meter. ओके, लेंथ दिया हुआ है 2 meter. ओके, एरिया दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁶ m² और रेजिस्टिविटी भी दी हुई है बच्चों इस बार, है ना. तो आइए कैसे करेंगे, ढंग से देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी. ओके, इधर समझिए बेटा. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, वो देखा करिए आप और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझा करिए. लेंथ दिया हुआ है 2 meter. क्लियर, पक्का. और एरिया दिया हुआ है 1.55 × 10⁻⁶ m² और रो इक्वल्स टू 2.8 × 10⁻⁸ m². क्लियर, सबको आ गया. तो बच्चों आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. क्लियर, रो दिया हुआ है 2.8 × 10⁻⁸, एल दिया हुआ है 2 और एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया है 1.55 × 10⁻⁶. सबको आ रहा है, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करना आपको आता होगा, पक्का आता है ना. क्लियर, मल्टीप्लाई करके तो द आंसर आपका जो आ जाएगा बच्चों 0.036 ओम. सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा. ना है तो मुझसे ज़रूर पूछिए. सबको आ गया बच्चों, पक्का ढंग से आ गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये. रेस्टडी क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को. ओके, सबको आ रहा है ना. क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर. मतलब हमें निकालना है ए. क्लियर, इफ इट्स लेंथ इज 1 meter, इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर. तो सबसे पहले तो आप बच्चा लोगों वैल्यू पुट किया करें, क्या पूछा है, हमें निकालना है एरिया. ऐसे लिखा, लेंथ दी हुई है बच्चों एल, कितनी दी हुई है 1 meter, रेजिस्टेंस बच्चों दिया हुआ है 23 ओम और रेजिस्टिविटी दी हुई है बच्चों लोगों 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर. सबको आया मेरे बच्चों, पक्का ढंग से आया, यस और नो बोलिए. अगर आ गया हो तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला सबको पता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. फॉर्मूला वही है, देखिए एक जैसे इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए. समझ में आए ना, पक्का. तो रो हमें निकालना क्या है, एरिया. एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए फटाफट से. सबको पता है रो एल अपॉन आर. यहाँ तक आ गया मेरे बच्चों, पक्का. चलिए आगे मूव करते हैं. तो बच्चों एरिया, रो की वैल्यू रखिए कितनी है, 1.84 × 10⁻⁶. एल 1 meter, रेजिस्टेंस 23 ओम. सबको आ गया बच्चों,
अब क्या प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में यार? एरिया इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बच्चा लोगो 0.08 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड करेंगे 1.84 में 23 का ये आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लें आगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू ये दो पावर है माइनस की, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 ओम मीटर। सबको आ गया, पक्का आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये पेपर में आते हैं। क्लियर, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देखिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझना। द रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टिविटी टू द ओल्ड वन। तो भैया जैसे ये क्वेश्चन आया ना, बच्चे कंफ्यूज कि क्या करना है। आप सबको पता होना चाहिए बेटा, वी नो दैट, ये पता होना चाहिए इस तरह से, वी नो दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पे बच्चों, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर, दैट इज रेडियस और डायमीटर किसी पर डिपेंड नहीं करेगी यार। ओके ओके, देयरफॉर रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, इसलिए जो रेशियो आएगा बच्चों वो रेशियो आपका सेम रहेगा 1:1। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बोलिए फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो पहले थी वही बाद में रहेगी कोई चीज़, तो रेशियो 1:1 आएगा ना। क्लियर, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ढंग से वॉच करेंगे, इधर देखेंगे सारे बच्चे। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन लेंथ इज ट्रिपल्ड डायमीटर इज ट्रिपल्ड मटेरियल चेंज टू वन हूज रेजिस्टिविटी इज 3 times। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? अब ढंग से देखना, टफ क्वेश्चन है। आंसर आपको लगता आसान है नहीं, फर्स्ट आप सभी को पता लेंथ की बात कर रहा है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आपको पता है लेंथ कितने टाइम्स हो रहा है, 3 times हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 times, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का खेल है। डायरेक्टली का मतलब जितना एक क्वांटिटी बढ़ती है कम होती है, उतना ही दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज होती है। तो पक्का बच्चों लेंथ ट्रिपल की, तो देयरफॉर इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड, ओके रेजिस्टेंस बिकम्स कितना हो जाएगा बच्चों, 3 times। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से आ गया। सेकंड केस कह रहा है बहुत अच्छा, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, ढंग से देखना है ना, अच्छी तरह समझा करिए। अब डायमीटर है तो हमें डायमीटर लाना है फॉर्मूले में। आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, समझा करिए है ना, और एरिया इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, आपको समझ में, लिख सकता हूँ ना इसे, बट हमें लाना डायमीटर। रेडियस पूछ सकते हैं यहाँ तक ख़त्म, बट डायमीटर पूछ रहा है। सबको पता है आर इक्वल्स टू सॉरी हाँ डी अपॉन टू, पक्का? तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई, समझना ओके, और डी अपॉन टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इधर देखिए बच्चों, ढंग से देखना है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और जो टू है टू का स्क्वायर 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख दूँ आर इक्वल्स टू 4 क्या है बच्चों, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब देखिए ना रो पे कोई चेंज आ रहा है, ना एल पे आ रहा है, ना पाई और 4 जी तो कभी चेंज नहीं करेंगे, 4 और पाई की वैल्यू तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी,
तो आपने क्या दिखाई दिया, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा नो बोलिए। मतलब अब हम क्या कह रहे हैं, डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल। अब जब डायमीटर ट्रिपल हो रहा है, ये ट्रिपल होगा सपोज, है ना, तो ये कितना होगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो 1/3 होता, बट स्क्वायर है तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही सही बोलना बच्चों, समझ में आया पक्का, तो कितने टाइम्स हो गया, 1/9 टाइम्स, पक्का आ गया। तो देयरफोर क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफोर ऑन इंक्रीजिंग डायमीटर 3 टाइम्स, पक्का पक्का, आर विल बिकम कितना, 1/9 टाइम्स। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही से बोल देना मुझे, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। चलिए पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, इट्स मटेरियली चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। अब इसने मटेरियली चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, आपको पता है। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पक्का बच्चों। तो अब देखिए, ना लेंथ पे कोई चेंज हो रहा है तो क्रॉस, ना एरिया पे हो रहा है, नो चेंज, जो चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब ही नहीं है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आ गया, हमने रो को कितने टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो अगर हम कोई मटेरियल है, हमने उसके चेंज कर दिया और रेजिस्टिविटी ऐसी, एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी रेजिस्टिविटी पहले से 3 टाइम्स है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स। क्लियर, सबको आया पक्का। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बच्चों, पेपर में जरूर इनमें से कोई, जरूरी तीनों एक साथ पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी, कंसेप्ट आपके सॉलिड होने चाहिए, पक्का आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आप देखिए ना, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से सीखना है ना अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। सॉरी, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। तो ढंग से देखिए, अब समझना इस क्वेश्चन को, एक वायर था, एक वायर है, क्लियर, और इधर देखना ढंग से, एक वायर बना रहा हूं मैं, क्लियर है, हाँ। अब इस वायर का हमने माना कि जो लेंथ था पहले, लेंथ था एल और क्रॉस सेक्शन एरिया था ए। अब हमने जब इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, बिफोर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग, क्लियर पक्का। तो बिफोर स्ट्रेचिंग आपका था एल और ए, तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए, सबको आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अब हमने जब उसे स्ट्रेच किया, इंक्रीज किया खींच के, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट मतलब खींचा उस वायर को, प्लास से, प्लायर से खींचते गए, खींचते गए। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या कह रहा है बच्चा लोगों, इधर देखेंगे क्या होगा बच्चों, इधर इस वायर को खींचा 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 यहाँ तक ले गए, और आप पक्का दिमाग चलाना, बहुत अच्छा दिमाग है आप सबके पास, आपने नोटिस किया, इधर देखना है ना। अब इस वायर को जब हमने खींचा तो पक्का बच्चों, इसकी लेंथ कितने टाइम्स कह रहा है, ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब पहले कितनी थी एल, तो अब कितनी हो जाएगी, 2L, ओके। और पक्का जो क्रॉस सेक्शन थिकनेस है वो कम हो जाएगी जितनी लेंथ बढ़ रही है। अरे किसी वायर को आप ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो लेंथ कहाँ से बढ़ती जाएगी, उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, और जितनी लेंथ बढ़ रही है उतनी थिकनेस क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, पक्का, थिकनेस सॉरी कम होगी, तो कम होगी तो कितना रह जाएगा, थिकनेस
ए अपॉन टू, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया, लेंथ कितनी बड़ी 2L, एरिया कितना हो गया ए बाई टू। अगर सपोज लेंथ 3L होती खींचने के बाद तो एरिया हो जाता ए बाई थ्री, लेंथ खींचकर 4 टाइम्स होती तो 4L और एरिया हो जाता ए बाई फोर। सबको आया पक्का? अब आइए इधर, तो हमने क्या यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, इधर देखिए आर ओके वन, आर वन लिख दूँ इक्वल्स टू रो, रो तो रो ही रहेगा। अच्छा रो पे क्यों चेंज नहीं पड़ा, क्योंकि वायर सेम मटेरियल का, अभी वायर चेंज नहीं किया हमने, जब तक वायर चेंज नहीं करेंगे रो सेम रहेगा। एल कितना हो गया यहाँ पे 2L, एरिया कितना देख रहा है बच्चों ए बाई टू, ए ऊपर टू, टू ऊपर जाएगा। सबको आ रहा मेरे बच्चों पक्का? तो आर वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिए फटाफट से बोलिए, जो टू ऊपर जाएगा ऊपर तो आ जाएगा आपका 4 इंटू टू, टू जब 4 हो जाएगा ना रो एल अपॉन ए। अब आप देख लीजिए कितना आसान हो गया ख़त्म, रो एल अपॉन ए की वैल्यू, अरे यार ये क्या हो गया, इधर रो एल अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर है आर, तो आर वन इक्वल टू 4R, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ जल्दी बोल दीजिए फटाफट से। सबको आया? तो हमसे पूछा कैलकुलेटर रेजिस्टेंस है ना, और 20 ओम शुरुआत का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू हमें दी हुई है 20 ओम, तो पक्का आर वन हो जाएगा बच्चों कितना 4 × 20, दैट इज आर वन इक्वल टू कितना 80 ओम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलिए, सबको आ गया पक्का आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। आप हिंट ले लीजिए, यहाँ पे हिंट ये कहती है अगर MCQ में डायरेक्ट पूछे कि ऑन स्ट्रेचिंग ओके रेजिस्टेंस बिकम्स स्क्वायर टाइम्स, ये लाइन याद रखिए, ऑफ लेंथ, मतलब सीधा सीधा ये है हमने जितनी लेंथ बढ़ाई थी खींचकर रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो हमने 2 टाइम्स बढ़ाई तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स आ गया, 20 था शुरुआत में 80 आ गया। अगर सपोज 3 टाइम्स खींचता तो कितने टाइम्स बढ़ता रेजिस्टेंस, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, 9 टाइम्स, आंसर 20 का 9 से मल्टीप्लाई करते। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का आ गया मेरे बच्चों, है ना। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इसी में कि रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा बच्चों, रेजिस्टिविटी क्योंकि मटेरियल सेम है विल रिमेन सेम, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया जल्दी बोल दीजिए मेरे बच्चे लोगों, बोलिए है ना पक्का आ गया ढंग से। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए, है ना, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, चलिए ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं आज, बहुत अच्छा सेशन है आज का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर चेंज बिल्कुल सही है, बोथ मटेरियल टेम्परेचर चेंज बिल्कुल सही है, शेप पर कोई असर नहीं पड़े, शेप से कुछ नहीं, मैंने बोला रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पर बच्चों, बोलिए किस पे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओके, मींस लेंथ और एरिया, ये क्या है शेप ही तो चेंज कर दिया हमने, तो शेप पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसीलिए बच्चों सबको आ गया द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे क्वेश्चन है सारे। अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है लेंथ है एल, मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो, रो को ऐसे इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल्स टू, अब देखिए कुछ नहीं है, एक वायर था, दिमाग चलाए करिए, एक वायर था ना, सुना करिए समझा करिए, अब इस वायर को हमने दो, इसकी लेंथ थी L और रेजिस्टेंस था R, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर हम इस वायर को दो पार्ट में इक्वली काट दें तो लेंथ कितनी रह जाएगी L बाई टू, दो वायर मिल गए एक और दो, क्लियर।
अब बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब लेंथ कितनी हो रही है हाफ, रेजिस्टेंस भी हाफ, क्लियर। बट रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट बच्चों रेजिस्टिविटी बातों को समझा करिए, ऑफ वायर रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगी बच्चों, सेम क्यों रहेगी, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि इसने बोला है हमने नेचर में कोई वायर को चेंज थोड़ी किया है, वायर का मटेरियल तो वही बना रहा है, बस काट के दो पार्ट में कर दिया है। तो जो थी पहले, पहले कितनी थी रो, अभी कितनी रहेगी रो, द करेक्ट चॉइस इज ए। अब ये सबको आ गया मेरे बच्चे, बोला करो मेरे बच्चा लोग, है ना, कितने अच्छे अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और फिर भी नहीं आया तो आप डाउट में लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में कि डाउट है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट, एन सी ई आर टी। चलिए देखते हैं, समझते हैं, कुछ नहीं है तब कुछ नहीं है। अ गिवन लेंथ ऑफ वायर ऑफ 20 ओम इज डबल्ड, ये डबल्ड होगा भैया लोग, ओके, ऑन इटसेल्फ बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। अब देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया था स्ट्रेचिंग वाला, उसमें वायर को लंबा किया था खींच के, इस बार हमने वायर को फोल्ड कर दिया है, फोल्डिंग प्लग होते हैं हमने देखा हुआ, तो बीच में से बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं, तो जितना वो एरिया पहले कवर करते उसका आधा रह जाएगा, पक्का रह जाएगा, है ना, सॉरी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, बट लेंथ क्या होगी आधी। तो इधर देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, इधर एक वायर, दिस इज द वायर, क्लियर, ओके, अभी वो स्ट्रेचिंग का था जो फोल्डिंग का है, बस इतना अंतर है। सॉरी बिफोर फोल्डिंग, फोल्डिंग से पहले क्या होगा वो बता रहा हूँ। हमने माना एक वायर है जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो इसका आर कितना आ जाएगा बोलो, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या किया, इसे डबल्ड ऑन इट सेल्फ, मतलब आफ्टर फोल्डिंग। देखिए मैं बता रहा हूँ फोल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए इस वायर को मैंने ऐसे और ऐसे, है ना, अब पक्का इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया तो मोटापा बढ़ जाएगा इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे करा, ये वायर था, समझिए क्या क्या किया है मैंने, इस वायर को मैंने ऐसे ही इसके ऊपर और फोल्ड कर दिया, तो मोटापा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, क्लियर। तो अब इसका लेंथ तो आधा रह गया, डबल्ड है तो लेंथ तो आधा हो गया एल वाई टू, क्लियर, और एरिया टू ए हो गया। अब समझ में आ गया तो आगे बताइए मुझे, एक वायर था लंबा, उसको हमने डबल्ड फोल्ड कर दिया जिससे उसकी थिकनेस डबल हो जाए, ए और लेंथ हाफ हो जाए, ये सबको आ रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसे आर वन मान लो और इसे आर टू मान लो, रो एल की जगह क्या लिखेंगे एल अपॉन टू, और ए की जगह क्या लिखेंगे टू ए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक लाइन बोलिए, सब धीरे धीरे समझिए। तो आर टू क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, वन अपॉन फोर इंटू रो एल अपॉन ए, आ गया पक्का। अब बच्चों रो एल अपॉन ए आपको दिख रहा होगा किसके बराबर है, ऊपर देखिए आर वन के बराबर है, तो आर टू इक्वल्स टू वन अपॉन फोर इंटू आर वन, यहाँ तक सबको आ गया, तो आर टू इक्वल्स टू आर वन अपॉन फोर, ये मेरे बच्चा लोगों आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही सही बोले, पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है, पक्का। अब क्या कह रहा है, शुरुआत में कितना दिया है 20 ओम, तो 20 ओम दिया है, तो आर टू इक्वल्स टू आर वन की जगह 20 रखा, फोर आर टू इक्वल्स टू फाइव ओम, ये सबको आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, VSM ट्रिक, VSM ट्रिक क्या कह रही है बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। VSM ट्रिक कहती है ऑन फोल्डिंग, समझ में आ रहा है, क्लियर, द रेजिस्टेंस
of wire becomes square of becomes okay clear becomes 1/n² बस सीधा सीधा याद रखिए, मतलब जब अगर हमने डबल फोल्ड किया है तो 1/4 times, ट्रिपल फोल्ड करेंगे तो 1/9 times, समझ में आ गए क्लियर। यहाँ पे हमने कितना फोल्ड किया था देखिए, डबल फोल्ड किया है तो क्या हो जाएगा 1/4 times, 1/4 times आ गया, तो सीधा सीधा हमें 20 दिया था, 20 में 4 के डिवाइड किया 5, मतलब जब MCQs आए हैं बाई चांस तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देखिए इधर बहुत अच्छी तरह देखिए, बहुत अच्छा क्लियर। अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस अगेन। ओ माय गॉड, अब इस बार क्या किया हमने सुनना, बिफोर फोल्डिंग, इधर देखना बच्चों, एक वायर था, अरे समझिए है ना, और इस वायर को हमने क्या किया है वो बता रहा हूं, सुनना ढंग से सीखना है ना, इधर लेंथ कितनी थी बच्चों एल और इसका एरिया था ए। अब हमने इसे 2 बार फोल्ड किया है, डबल्ड है ये, डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड इट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, समझ में आया, मतलब किसी चीज को हमने एक बार फोल्ड किया फिर दूसरी बार फोल्ड किया, तो अब आफ्टर फोल्डिंग क्या होगा बच्चों, आफ्टर फोल्डिंग अब देखिए ये लेंथ है ओके और दिस इज द एरिया, सुनना ढंग से क्लियर। अब लेंथ कितनी रहेगी बच्चों, इधर देखिए एल बाई फोर हो जाएगी, क्योंकि एक बार डबल किया था तो एल बाई हाफ, दूसरी बार डबल किया एल बाई फोर, और एरिया कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए फटाफट से बच्चों, 4a। अब सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बोल दीजिए मेरे बच्चे लोगों, क्लियर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये R1 मान लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। देखिए एक ही कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, और हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, रो L की जगह क्या रखेंगे L अपॉन 4 और एरिया की जगह 4a, नहीं आए बच्चों, तो R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/16 रो L अपॉन ए, तो R2 इक्वल्स टू व्हाट इज दिस रो एल अपॉन ए किसके बराबर है बच्चे लोगों, R1 के, तो 1/16 इंटू R1, R2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो फटाफट से बोलो क्या आ गया, तो R1/16 यानी कि R1/16 मतलब कितने टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो लिखेंगे देयरफॉर रेजिस्टेंस विल बिकम 1/16 टाइम्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सबको आ रहा है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आ गया ना, देखिए कितनी अच्छी तरह से एक क्वेश्चन कहाँ से था, अगली क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, फिर भी आप ना पढ़े तो कैसे काम चलेगा मेरे बच्चों, हैं यहाँ पे फैक्टर पूछता तो 4 times और हमसे पूरा पूछता तो 5 होम। ओके चले आइए नेक्स्ट, 2 wires वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज हैव इक्वल लेंथ, बहुत इजी है, इक्वल लेंथ इक्वल रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर, है ना, और गिवन दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लोअर देन दैट ऑफ मैंगनीज, क्लियर सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है,
बोलिए। तो देखिए, हमें पहले फॉर्मूला आना चाहिए आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो हमें निकालना क्या है, एरिया की बात करनी है। तो एरिया इक्वल्स टू डायरेक्ट शॉर्ट बिल्कुल, एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, रो एल अपॉन आर। अब सुनना, ढंग से सीखना मेरे बच्चों, ढंग से, है ना। अब क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा लेंथ का, एक खत्म। रेजिस्टेंस इक्वल है तो इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, खत्म। चलिए, अब आपने क्या देखा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस नो बोला करो मेरे बच्चों। पक्का आ रहा है, पक्का ढंग से आ रहा है ना। तो मतलब इसका क्या सीखा बच्चों हमने, कि लार्जर द रेजिस्टिविटी, पक्का, हायर विल बी एरिया क्रॉस सेक्शन। सबको आ रहा है, पक्का, क्लियर। तो बच्चों अब यहां पे सिंस समझा करिए, किसका, मैनगेनिन, मैनगेनिन हैज हायर रेजिस्टिविटी, देयरफॉर इट्स एरिया इज ऑल्सो हाई। ओके, तो पक्का, देयरफॉर इट्स वायर इज ऑल्सो थिकर। तो ये क्वेश्चन कितने अच्छा था, अब सबको आ गया मेरे बच्चे लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, पक्का पक्का पक्का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जरूर करिए। सारे को जो भी डाउट हो, जिस क्वेश्चन में डाउट हो, वो आप ड्रॉप करिए, इस तरह से खूब सारा पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं साइंस की अच्छी तरीके से और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। तो बच्चों टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स, हम इसी टारगेट के साथ पढ़ रहे हैं और आपको अच्छी तरह से अपने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, क्लियर। ओके, तो बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।